वेलकम टू पटेल कोचिंग। अभी हम लोग क्लास 10th इंग्लिश में चैप्टर द नेकलेस के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैडम लोअजेल, व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी। मैडम लोअजेल किस प्रकार की पर्सन है और वो हमेशा दुखी क्यों रहती है? देखिए, मैडम लोअजेल एक जवान, खूबसूरत और हमेशा दुखी रहने वाली महिला थी। भले ही वो एक गरीब परिवार से आती थी, लेकिन वो अमीरों जैसे सुख और सुविधाओं के ख्वाब देखा करती थी। वो हमेशा दुखी रहती थी क्योंकि वो जानती थी कि उसके सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे। भाई, जितना औकात रहेगा उतने ही तो आदमी सुख सुविधा पाएगा। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, मैडम लोअजेल वॉज अ यंग पिटी बट अन हैप्पी वूमेन। सी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली बट ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ रिचेज एंड कम्फर्ट्स। सी वॉज ऑलवेज अन हैप्पी एज सी न्यू हर ड्रीम्स कुड नेवर बी फुलफिल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड, उसके पति किस प्रकार के आदमी हैं? देखिए, उसके पति जो मिस्टर लोअजेल हैं वो एक साधारण, दयालु और केयर करने वाले व्यक्ति हैं, जो हमेशा अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, अपना पैसे को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, हर हस्बैंड मिस्टर लोअजेल इज अ सिंपल, काइंड हार्टेड एंड केयरिंग पर्सन हु इज विलिंग टू सेक्रीफाइस हिज मनी टू प्लीज हिज वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैडम लोअजेल, मैडम लोअजेल को कौन सा नया समस्या परेशान करने लगता है? देखिए, वो एक पार्टी में जाने वाली रहती है, उसके पास एक खूबसूरत सा ड्रेस रहता है, लेकिन वो दुखी हो जाती है क्योंकि उसके पास उस ड्रेस के मैचिंग वाला कोई गहना या ज्वेलरी नहीं होता है। यही नया समस्या उसको परेशान करता है। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, द फ्रेश प्रॉब्लम दैट डिस्टर्ब्स मैडम लोअजेल नाउ इज दैट शी डज नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ज्वेल टू गो विद द ड्रेस व्हिच मेड हर सैड एंड डिस्टर्ब्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया? देखिए, जो मैडम लोअजेल हैं उनके हस्बैंड ने उनको आइडिया दिया कि उनकी जो धनवान सहेली है मैडम फ्रॉस्टियर, उसके पास से जाके कुछ ज्वेलरी वो उधार में ले आए और पार्टी में अपना जलवा दिखाए। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, द प्रॉब्लम इज सॉल्व व्हेन हर हस्बैंड गिव्स हर द आइडिया ऑफ बॉरोइंग ज्वेल्स फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मिस्टर एंड मैडम लोअजेल डू नेक्स्ट, मिस्टर एंड मैडम लोअजेल ने फिर क्या किया? देखिए, जैसे ही उनको पता चला कि नेकलेस खो गया था, जो मिस्टर लोअजेल हैं उन्होंने उसको हर उस जगह पे जाके खोजा जहाँ पे वो पहले गए थे। वे पुलिस में भी गए, कैप के ऑफिस में भी गए और उन्होंने न्यूज़पेपर पे एडवर्टीजमेंट भी दिया था। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, व्हेन दे रियलाइज्ड द नेकलेस वॉज मिसिंग मिस्टर लोअजेल सर्च्ड देयर प्रीवियस लोकेशंस ऑन फुट विजिटेड द पुलिस एंड कैब ऑफिसेस एंड प्लेस्ड एन एड इन द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, उन्होंने नेकलेस को फिर कैसे रिप्लेस किया? देखिए, जब नेकलेस को खोजने के सारे प्रयास असफल हो गए तो उन्होंने फैसला किया कि उसी के टाइप का एक नया नेकलेस वो लोग खरीदेंगे और ख़रीद के खोए हुए नेकलेस के जगह में उसको रिप्लेस कर देंगे। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, आफ्टर ऑल अदर एफर्ट्स फेल दे डिसाइड टू बाई अ न्यू आइडेंटिकल नेकलेस टू रिप्लेस द लास्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर्स ऑफ द लोअजेल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस कमेंट। देखिए, इसमें हमको बताना है कि जो नेकलेस है उसके कारण लोअजेल्स का जो जीवन है वो कैसे पूरी तरह से बदल चुका था। देखिए, लोअजेल्स ने उधार के पैसे से नया नेकलेस तो खरीद लिया, लेकिन उस उधार के पैसे को वापस करने में उनको 10 साल लग गए, जिसके कारण उनको शहर के सबसे गरीब क्षेत्र में रहना पड़ा। माटिल्डा ने अलग अलग प्रकार के घरेलू काम किए जिससे वो पैसे बचा सके, जबकि उसके पति जो मिस्टर लोअजेल थे उन्होंने शाम को और रात को काम किया ताकि जो कर्जा है उसको छूटा जा सके। नेकलेस ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। इन्हीं सब को इस कैंसर में लिखना है, इट टुक द लोअजेल्स 10 years टू रिपे द बारोड मनी यूज टू परचेज द नेकलेस व्हिच कॉज्ड देम टू मूव टू द पोरेस्ट एरिया ऑफ द सिटी। माटिल्डा हैड टू टेक ऑन वेरियस हाउस होल्ड टास्क टू सेव मनी वाइल हर हस्बैंड
worked evenings and nights to pay up their debt. The necklace altered the course of the Loisel's life significantly. Next question है, what was the cause of Matilda's ruin? How could she have avoided it? Matilda के बर्बादी का क्या कारण था? वो इससे कैसे बच सकती थी? देखिए, Matilda जो है दिखाना चाहती थी, उसकी ढेर सारी भौतिक इच्छाएं थी, वो अंदर से बेईमान थी, इन्हीं कारणों से वो बर्बाद हुई। इससे वो बच सकती थी अगर जितना उसके पास था उसमें संतुष्ट रहती तो। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, Matilda's ruin was due to her pride, materialistic desires and dishonesty. She could have avoided ruin if she had been satisfied with what she had. Next question है, what would have happened to Matilda if she had confessed to her friend that she had lost her necklace? Matilda के साथ में क्या हो सकता था यदि वो अपने दोस्त को जाके बता देती कि उसने उसका नेकलेस को खो दिया था। देखिए, यदि Matilda अपने दोस्त को जाके बता देती कि उसने उसके नेकलेस को खो दिया था तो उसको पता चलता कि वो नेकलेस नकली था, जिसके कारण नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए Matilda को बहुत ही कम पैसे लगते, जिसके कारण वो और उसके पति 10 साल के कष्ट से बच जाते। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, इफ Matilda कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट सी हैड लॉस्ट हर नेकलेस, रिप्लेसिंग इट वुड हैव कॉस्ट हर अ लॉट लेस मनी, सी कुड हैव सेव्ड हर सेल्फ एंड हर हस्बैंड फ्रॉम 10 लॉन्ग ईयर्स ऑफ सफरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वेयर कॉट इन अ सिचुएशन लाइक दिस, हाउ वुड यू हैव डील्ट विथ इट? यदि आप इस प्रकार के सिचुएशन में फंस जाते तो इन परिस्थितियों का सामना आप कैसे करते? देखिए, यदि मैं इस प्रकार की परिस्थिति में फंसता तो सबसे पहले मैं लालच और अव्यवहारिक इच्छाओं से मैं बचता। यदि मेरे से मेरे दोस्त का नेकलेस खो जाता तो जाके मैं उसको सबसे पहले बता देता, उसके बाद जो भी परिस्थिति बनती उसको मैं स्वीकार कर लेता, ताकि इस समस्या के समाधान का मेरे को सही रास्ता मिल जाता। इन्हीं को इसके आंसर में लिखेंगे, If I were caught in a situation like this, I would have avoided falling into greed and unrealistic desires. If I had lost a friend's necklace, I would have confessed and accepted the consequences, ultimately finding a way out. अब लास्ट में इस MCQ क्वेश्चन के आंसर को आपको कमेंट करके बताना है। How much was the lost necklace actually worth? ऑप्शन ए है 40,000, बी है 36,000, सी है 500 और डी है 400। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा उपयोगी लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।